जो आपके सिचुएशन टेस्ट हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली ये नया वीडियो आप सभी लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि सिचुएशन टेस्ट एंड जो आपका इंटरव्यू राउंड जो होने वाला है मास्टर्स स्टूडेंट के लिए, उससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आई थी। सो आज इस वीडियोज में आपकी सारी क्वेरीज हम क्लियर करेंगे। सो प्लीज़ गाइज, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो पूरा देखिएगा एंड गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो की सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा एंड दिस इज़ माई इंस्टाग्राम आईडी। आप है जो मुझे संडे को यहाँ पे मैं लाइव आता हूँ, आप है जो वहाँ पे लाइव सेशंस जुड़ सकते हो, प्लस आप अपनी सारी क्वेरीज आप इंस्टाग्राम के थ्रू क्लियर कर सकते हो। तो चलिए गाइस, आज का लेक्चर यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं बीडेस स्टूडेंट के लिए जो कि सिचुएशन टेस्ट के लिए जो आपकी डेट सारी है जो पोस्टपोन कर दी गई है कि आगे आने वाले समय में आपको न्यू डेट्स वो निकाल के देंगे जिससे कि आप सिचुएशन टेस्ट के लिए जाओगे, ऐसा है जो निफ्ट ने बोला हुआ है। सो गाइस, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है क्योंकि प्रीवियस ईयर जैसी सिचुएशन हुई थी वैसी ही सिचुएशन इस बार भी होने वाली है। सो इसलिए मुझे जहां तक लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली जो आपके सिचुएशन टेस्ट हैं वो कैंसिल हो जाएंगे एंड जो आपके कैट एंड गैट राउंड है उसकी बेसिस से ही मेरिट लिस्ट आएगी, क्योंकि जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है आप देख रहे हो कोविड है जो इतना ज्यादा फैल रहा है हर एक सिटी में हर एक स्टेट में, तो मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी है जो ये कवर अप हो पाएगा। एंड अभी से है जो आप देख रहे हो जैसे कि दिल्ली में लॉकडाउन लग रहा है, यूपी में लॉकडाउन, हर जगह लॉकडाउंस लग रहे हैं, इस सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि आपके सिचुएशन टेस्ट होने वाले हैं। सो इसलिए मेरा वीडियो बनाने का एक यही मोटो है क्योंकि मेरे पास इतने ज्यादा इंस्टाग्राम पे क्वेरीज आई कि कब होंगी डेट्स, कब सिचुएशन टेस्ट होंगे। सो गाइस प्लीज आप हेडक लेना बंद करो, प्लीज आप एक्सप्लोर करो नई नई चीजें, अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, आप कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हो, किसी मीडियम्स में वर्क कर सकते हो या फिर कुछ ड्रॉइंग स्केचेस, आप कुछ भी करो एंड थोड़ा माइंड को शांत रखो एंड ज्यादा है जो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डेट्स आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि अगर आपको जज किया जाए तो सिचुएशन टेस्ट के नंबर्स को ऐड करके ही किया जाए, क्योंकि दिस इज द प्रोसेस टू गेट अ निफ्ट, राइट। बट अभी कुछ सिचुएशन रहती है जिसकी वजह से आप कैट एंड गैट के ही बेसिस पे आप जज किए जा रहे हो, तो इस वजह से इस बार है जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मुझे लग रही है कि आपका केवल कैट एंड गैट के बेसिस पे ही आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, राइट। एंड जो मास्टर्स के लिए प्रीवियस ईयर हुआ था इंटरव्यू राउंड, तो उनका है जो वैसा ही इस बार हुआ है कि उनका जो जीडी राउंड था ग्रुप डिस्कशन राउंड वो कैंसिल कर दिया गया है एंड उसकी जगह सीधे पर्सनल इंटरव्यू लिया गया। तो ऐसा है जो प्रीवियस ईयर में हुआ है मास्टर्स वालों के साथ, तो इसलिए मुझे जहां तक ज्यादा संभावना लग रही है कि बैचलर्स का भी सेम होगा जैसे प्रीवियस ईयर हुआ था, नो सिचुएशन टेस्ट, केवल रैंक लिस्ट आपकी कैट एंड गैट के बेसिस पे आ जाएगी, राइट। प्लस गाइज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको अगर कोई भी नई है जो वो लोग कुछ निकाल के देते हैं, लाइक जो 20 क्रेडिट्स हो गए हैं सिचुएशन टेस्ट के लिए, वो शायद कोई नई टेक्निक लाए, जैसे कि क्या होगा कि एनआईडी वालों ने पोर्टफोलियो मांगा था प्रीवियस ईयर में, तो बच्चों ने पोर्टफोलियो बना के दिया था, राइट। तो इस बेसिस पे वो लोग शायद निफ्ट वाला इस साल कर सकते हैं, तो आप प्लीज प्रिपेयर रहें, तैयार रहें एंड ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं अगर आपने अभी कुछ नहीं किया है या फिर नहीं कर रहे हो, बट जो आपको वो डेट्स देंगे आपको सफिशियंट टाइम देंगे हर एक सिचुएशन पे रिएक्ट करने के लिए। सो प्लीज़ गाइस ज़्यादा हेडक मत लीजिएगा, पोर्टफोलियो अगर वो बोलते हैं, अगर बोलते हैं तो आपके पास है जो सफिशियंट टाइम रहेगा पोर्टफोलियो बनाने के लिए, राइट। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ गाइस, अभी से आप प्रिपेयर रहें, अभी आप खाली बैठे होंगे, कोई काम नहीं होगा आपके पास, आप सिचुएशन टेस्ट की प्रिपरेशन कंटिन्यू, बट उसके साथ साथ आप हैं जो अपने एक्स्ट्रा चीज भी करिए, जो स्किल्स पे आपको अच्छा हो, किसी का वाटर कलर अच्छा है, किसी का पेंसिल कलर अच्छा है, किसी के है जो आप चारकोल्स अच्छे हैं, राइट। सो ये सारी चीजों पे आप वर्क करो एंड अपने काम को है जो संभाल के रखो। मे बी इन केस अगर पोर्टफोलियो मांग देता तो आपके पास पहले से ही पोर्टफोलियो कंप्लीट होगा, राइट। सो प्लीज गाइज आप है जो कुछ ना कुछ करते रहो, क्रिएटिव है जो कोई आइडिया सोचो बनाओ, है ना। तो ये सारी चीजें
आप है जो कंटिन्यू रखो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि सिचुएशन टेस्ट का क्या होने वाला है। मास्टर का ऑलरेडी इंटरव्यू आई थिंक हो रहे हैं या फिर हो गए होंगे, सो आप लोग प्लीज़ अच्छे से इंटरव्यूज दीजिए अपने। एंड बीडेस वाले बच्चे प्लीज़ आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। एंड बीएफ टेक के जो बच्चे क्वेरीज पूछ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका सेकेंड राउंड ऐसा कुछ होता नहीं है, तो इसलिए जब इन लोगों का रिजल्ट आएगा, जब बीडेस वाले बच्चों का रिजल्ट आएगा, आपकी सीधे रैंक लिस्ट आएगी। सो इसलिए आप लोग थोड़ा सा चिल करो एंड अपने रिजल्ट्स का वेट करो। सो गाइज, ज्यादा वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो की सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। एंड गाइज, प्लीज आप जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस की जो लिस्ट है वो चेक कर सकते हो, उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन की क्वायरीज हो जाएगी। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।